तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉर्नविटा लिटिल चैंप्स के बारे में कुछ बताऊंगा कि ये आपको कब देना चाहिए, कौन सी एज के बच्चों को देना चाहिए और दिन में कितने बार देना चाहिए। इसी टाइप के मैं और भी आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं उनका भी आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कुछ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ DHA। तो फ्रेंड्स, DHA काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो 90% बच्चों का जो दिमागी विकास है वो 5 साल की उम्र तक हो जाता है। तो इसलिए जो आप जैसे देखेंगे कि 5 साल के बाद बच्चे मतलब नॉर्मल थिंकिंग जैसे जो बड़े लोग होते हैं उनकी तरह थोड़ा थोड़ा सोचने लग जाते हैं। तो इसलिए वो जो DHA होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, बच्चों के दिमाग के लिए। तो वो इसमें बॉर्नविटा में आपको मिल जाता है लिटिल चैंप्स में। तो वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड जो आपका पहला क्वेश्चन था कि हमें ये हेल्थ ड्रिंक जैसे बॉर्नविटा लिटिल चैंप्स इस टाइप पीडियाश्योर ये सब क्यों देना चाहिए, तो फ्रेंड्स तो इसका आंसर मैं देता हूँ कि जो बच्चे होते हैं उनका जो शरीर होता है वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो तो वो डेवलपमेंट काफ़ी तेज होता है, मतलब 12-13 साल तक काफ़ी स्पीड में होता है। तो इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन होता है उसी से मतलब जैसे प्रोटीन वगैरह इन सब की ज़रूरत होती है, तो वो इन सब ड्रिंक्स में प्रोवाइड किया जाता है जिससे बॉडी का डेवलपमेंट रुके ना और अच्छी मतलब स्पीड में बढ़ते रहे। तो जैसे कि हम नॉर्मल खाना खाते हैं उनमें जैसे ये जिंक हुआ या फिर इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो इतनी सफिशियंट अमाउंट में मिल नहीं पाती, तो वो इन सब हेल्थ ड्रिंक्स में मतलब ऐड कर दी जाती है ताकि जो डेवलपमेंट है बॉडी का वो नॉर्मल स्पीड में होता रहे। जैसे कि देखिए आप इसके इंग्रेडिएंट्स में आप देखेंगे जैसे कि न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मतलब अमाउंट में दे रखा है, जैसे विटामिन सी इसमें कितने सारे प्रकार के दे रखे हैं जो कि मतलब शरीर के, और यहाँ दे रखा है कि मतलब किस जैसे ये सपोर्ट मेटाबॉलिज्म विटामिन B1 से लेके B6 तक ये मतलब मेटाबॉलिज्म ये सब इंक्रीज़ करते हैं, और जैसे कि और भी आप देखेंगे प्रोटीन वगैरह ये सब भी इसमें ठीक ठाक अमाउंट में दे रखे हैं जो कि आपके मतलब बॉडी के लिए, बच्चे की बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक बात और बोलना चाहूँगा, जैसे कि आप कोई भी हेल्थ ड्रिंक लेते हैं तो उनके एक बार ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन पहले ज़रूर देखें, क्योंकि काफ़ी लोग देखते हैं जैसे ये पैक आपको अच्छा लग रहा है मतलब इसका कलर साइज़ अच्छा लग रहा है तो ये हम ले लेते हैं, तो ये आप ऐसा ना करें। पीछे एक बार जैसे 2 प्रोडक्ट हुए हैं तो फिर उनके पीछे आप एक बार ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा, जिसकी अच्छी लगे आपको वो वाला आप परचेज़ कर सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि ये जो हेल्थ ड्रिंक्स जैसे बॉर्नविटा लिटिल चैंप इसको देने की सही एज क्या है, तो जैसे कि पैक पे भी इन्हें मेंशन कर रखा है और अगर आप फिजिशियन वगैरह से भी बात करेंगे तो 2 साल के बाद से ही वो कंसल्ट करते हैं, तो इसलिए मतलब 2 साल के बाद से देना चाहिए। और रही बात कि आपको दिन में कितने बार देना है, तो स्टार्टिंग फेज़ में आप जैसे 1 या 2 बार दे सकते हैं, अगर वो बच्चे की बॉडी के हिसाब से अगर सेट हो जाता है तो आप उसको रिकमेंडेशन को बढ़ा के 3 बार कर सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मतलब शुगर भी होता है, लेकिन बच्चों को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मल आपका फूड होता है वो भी मतलब साथ साथ में खिलाना चाहिए। ठीक है, ये सब एक सप्लीमेंट है जो कि मतलब नॉर्मल जो डाइट है उसके साथ में देना चाहिए, ना कि सिर्फ यही दें, नॉर्मल डाइट मेन है, इनको सिर्फ एक सप्लीमेंट की तरह देखें। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें जैसे मेल्ट एक्सट्रैक्ट 50%, शुगर, मिल्क सॉलिड्स, कोका सॉलिड्स, कैरमेल, लिक्विड ग्लूकोज, विटामिन्स, इमल्सीफायर्स, मिनरल्स, DHA रिच एल्गा ऑयल, एडिबल सॉल्ट, इस टाइप की चीज़ें दे रखी है। और फ्रेंड्स मैं आपको जैसे बता देता हूँ यहाँ पर इन्हें इंस्ट्रक्शंस भी लिख रखे हैं कि कैसे यूज़ करना चाहिए, तो ये सिर्फ बॉर्नविटा नहीं, अगर आप और भी हेल्थ ड्रिंक्स लेते हैं तो उनके लिए भी शायद वैलिड हो। तो ये दे रखा है जैसे कि इन्हें 2 हीप्ड टीस्पून मतलब कि 20 ग्राम इन्हें दे रखा है। और तो फ्रेंड्स 20 ग्राम तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाता होगा, तो आप ये तो मतलब अपना हिसाब से लिख देते हैं, बट आप अपने मतलब बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, और मेन बात की फ्रेंड्स जैसे ये प्रोडक्ट है इसमें मतलब मॉइस्चर से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप जब भी इसको परचेज़ करें उसके बाद ऊपर की लीड उतारने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रख दें, या फिर इसका जो ये ढक्कन है काफ़ी अच्छे से बंद कर दें, नहीं तो फिर वो आपका स्टिकी टाइप बन जाएगा और ना तो आपका यूज़ में अच्छा रहेगा और ना ही फिर टेस्ट में भी अच्छा नहीं रहेगा। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी वीडियो से, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाय बाय।